लोकसभा चुनाव 2024 खत्म हो चुका है, अब रिजल्ट का इंतजार है। बहुत जगहों पर आपने देखा होगा एग्जिट पोल्स भी चल रहे हैं। रिजल्ट जो कि 4 तारीख को यानी कि कल होने वाले हैं और मंथन पूरी तरह से चल रहे हैं। कई सीटों पर पूरे भारत में भी मंथन चल रहा है, राज्य स्तरीय भी मंथन चल रहा है और लोकल स्तर पर भी लोग मंथन कर रहे हैं। अभी हम मुजफ्फरपुर में हैं, उत्तर बिहार की राजधानी है, और उत्तर बिहार की राजधानी में हम 4 सीटों पर मंथन करने के लिए तैयार हैं। हमारे साथ जो ये आप लोग देख रहे हैं, ये पत्रकारों की भीड़ है और यहाँ पर हम आपस में ही जो हमने न्यूज़ कवरेज किया, खास तौर पर वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और शिवहर, इन 4 सीटों पर बात करेंगे। एग्जिट पोल, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एग्जिट पोल और एग्जैक्ट पोल में बहुत अंतर होता है। एग्जिट पोल का मतलब नजदीकी जो आंकड़ा होता है वो हम आपको बताते हैं कि कौन जीत सकता है और कौन हार सकता है। हमारे साथ मुजफ्फरपुर के अरविंद अकेला हैं, पत्रकार हैं, मुकेश ठाकुर हैं जो कि जर्नलिस्ट हैं, यंग जर्नलिस्ट में हमारे साथ राकेश चौधरी हैं और अजय कुमार हैं। ये सारे लोग हैं, सभी विभिन्न जगहों पर इन्होंने छानबीन की है, पत्रकारिता की है, इलेक्शन के दौरान क्या क्या हुआ, इन सारी चीजों में जो अभी तक निकल के छन के आया है उस पर साफ तौर पर बात करेंगे। हम शुरू करते हैं मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट से कि मुजफ्फरपुर में अगर बात करें तो 26 कैंडिडेट थे, 26 में 2 कैंडिडेट्स में आमने सामने की भिड़ंत थी। ये वही कैंडिडेट थे जो कि पिछली बार भी थे, 4,09,000 के अंतर से एनडीए के कैंडिडेट ने वीआईपी के महागठबंधन के कैंडिडेट को 2019 में हराया था। हारने वाले आज एनडीए के कैंडिडेट हो गए हैं और हराने वाले महागठबंधन यानी कि कांग्रेस के कैंडिडेट बन के 2024 में आए हैं, अजय निषाद और राजभूषण चौधरी की हम बात कर रहे हैं। तो मुजफ्फरपुर में अरविंद, आपको क्या लग रहा है मुजफ्फरपुर में कौन जीत सकता है? देखिए मुकेश, सबसे पहले आपके दर्शकों को पहले बिहार लाइव नाउ की तरफ से बहुत बहुत बधाई धन्यवाद कि आपको दर्शकों को बता दें कि मुजफ्फरपुर में इस बार जो लड़ाई है, हल्के में अगर कोई ले रहा है मुजफ्फरपुर, ऐसी सीट हॉट सीट नहीं बता रहा है, लेकिन मुजफ्फरपुर भी हॉट सीट है। जिस व्यक्ति ने, जिस पर आरोप लगाया जा रहा है विपक्ष के द्वारा कि जिसने टिकट काटा, प्रत्याशी के द्वारा खासकर आरोप है, तो ये लड़ाई प्रत्याशी और अजय निषाद की नहीं है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस प्रत्याशी के बीच। ये लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के एक केंद्रीय मंत्री और अजय निषाद के बीच की ये लड़ाई है और ये लड़ाई इसलिए इस सीट को बड़ा सीट बनाता है। जैसे लोग कहते हैं कि ये सीट एकदम जो हॉट सीट बन गई है, तो ये भी एक हॉट सीट है क्योंकि ये लड़ाई अगर किसी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी तो लड़ रहा है, क्योंकि पुनः उनको तो पिछले चुनाव में पड़ गया था, लेकिन यहाँ केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के जो प्रत्याशी अजय निषाद जो निवर्तमान सांसद है, उन दोनों के बीच की लड़ाई है। इकरा आप एक प्रत्याशी पर फोड़ दिए कि हमने, अरे हमारी पार्टी ने प्रत्याशी को बदल दिया, लेकिन प्रत्याशी बदल दिया, प्रत्याशी केवल वोट मांग रहे थे क्या चुनाव में? पिछले चुनाव में जब अजय निषाद अगर कैंडिडेट वो भी मंत्री थे जिनसे इनकी टशन चल रही, तो नित्यानंद राय की बात खोल देते हैं, नित्यानंद राय और अजय निषाद में मेन टशन इस बार चली और यही लड़ाई है, नित्यानंद राय से ही कांग्रेस प्रत्याशी की लड़ाई है। और इस लड़ाई में अगर लोग कह रहे कि प्रत्याशी बदले तो ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग बदले क्या? नहीं बदले, तो भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं को बोलना चाहिए जिन नेताओं ने पब्लिक से वोट लिया। ऐसा नहीं कि सभी वोट अजय निषाद के नाम पर चेहरे पर दिए, प्रधानमंत्री लोगों ने भी समझ गया। अरविंद, चुनाव हो चुके हैं तो चुनाव में क्या लग रहा है कि अब रिजल्ट क्या आने वाला है? देखिए एग्जिट पोल है तो एग्जिट ही हम बताएंगे, कल तो एग्जैक्ट पोल बता देंगे, एग्जिट में क्या लग रहा है आपको? देखिए मुकेश, एग्जिट पोल में महागठबंधन मुजफ्फरपुर में जिस तरह से निषाद समीकरण जो महागठबंधन के साथ शिफ्ट हुआ, तो MYM की समीकरण बनी, यानी कि मुस्लिम, यादव और मल्ला, ये तीनों समीकरण बन गई। और जैसे स्वर्ण में खासकर भूमिहार समाज की बात करें, तो भूमिहार समाज लगातार बीते कई चुनावों से देख रहे हैं कि एनडीए से नाराज चल रहे हैं, तो उनमें भी कुछ प्रत्याशी, उन जाति से आने वाले लोगों ने टिकट मांगा था,
न देने के कारण उनके समाज में भी जो नाराजगी थी, और खासकर बगल में महागठबंधन की ओर से मुन्ना शुक्ला जो भूमिहार समाज से आते हैं तो उनको टिकट दिया, तो उनके प्रभाव और कुछ नाराजगी वाली प्रभाव पर करके लोगों ने कुछ महागठबंधन को वोट किया है, लेकिन वोट इतने प्रतिशत नहीं हुआ है कि जिससे भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ सके, लेकिन वोट की जो परसेंटेज है वोट परसेंटेज बढ़ा है, लड़ाई दे रही है कांग्रेस पार्टी, यहाँ भी लड़ाई दे रही है, हालांकि सभी सीटों पर लड़ाई दे रही है, लेकिन यहाँ लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग समझते हैं कि कोई लड़ाई नहीं है, लड़ाई है, लड़ाई है, लेकिन एज बहुत सारे वोटर जो थे वो साइलेंट पड़ गए, खासकर सोन की बात करें तो सोन साथी में ऐसे कई जाति के लोग थे, दोनों निषादों को देखते हुए लोग साइलेंट पड़ गए, तो साइलेंट वोटर कभी इधर भी जाता है कभी फिर उधर भी जाता है या नहीं इसमें, हाँ, और लोग शांत रह जाते हैं, इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, हालांकि निचले तबके के लोगों ने, सारे लोगों ने इंटरेस्ट लिया, लेकिन जिस तरह से बढ़त की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी बढ़त में है, तो यानी कि मुजफ्फरपुर से भारतीय जनता पार्टी निकलती नजर आ रही, क्या लग रहा है आपको मुकेश ठाकुर मुजफ्फरपुर का रिजल्ट? मुजफ्फरपुर में यदि देखा जाए तो अजय निषाद जीते हुए सांसद भी थे, इस दौरान उनका यहाँ से जो टिकट काटा गया वो ज्यादा प्रभाव तो नहीं डालेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि वो जीते हुए थे, लोग उनको भी उस नजर से देखेगी कि ये हमारे जीते हुए सांसद है तो जरूर वोट तो किया ही होगा। वोट करने के अनुसार यदि देखा जाए तो दोनों में जबरदस्त आमने सामने की टक्कर हुई, लेकिन बात करें मोदी लहर की तो मोदी लहर यहाँ पर देखने को मिल रहा है, मुजफ्फरपुर का जो संसदीय क्षेत्र है वहाँ पर मोदी लहर देखने को मिल रहा है, एग्जैक्ट पोल हम नहीं बता सकते, एग्जैक्ट पोल तो कल पता चलेगा, लेकिन एज कहीं ना कहीं मिलता हुआ नजर आ रहा है बीजेपी को यहाँ से मुजफ्फरपुर से। राकेश क्या लग रहा है आपको, आप बोचहां विधानसभा क्षेत्र के निवासी भी हैं, तो क्या लगा इस बार जो चुनाव हुआ, मुजफ्फरपुर की बात करते हैं, मुजफ्फरपुर संसदीय क्षेत्र से? देखिए बोचहां विधानसभा की अगर बात करते हैं तो बोचहां विधानसभा में दो प्रखंड आती है, एक मुशहरी और एक बोचहां, तो विधानसभा की अगर बात करते हैं तो ज्यादातर वोट परसेंटेज जो है वो भाजपा का जा रहा है, क्योंकि अजय निषाद खुद बोले थे कि मंच पर से कि हमारा टिकट काट दिया गया, भाजपा वाले ने उनका सर्वे किया, सर्वे के दौरान उनका फीडबैक कुछ ठीक नहीं रहा, तो फीडबैक ठीक न रहने की वजह से यानी कि पूरे मुजफ्फरपुर लोकसभा में उनका विकास नहीं रहा, इसके वजह से भाजपा ने उनका टिकट काट दिया, और टिकट काटने के दौरान जो है राजभूषण चौधरी निषाद को टिकट मिला भाजपा से एनडीए से, तो राजभूषण जो है वो आए, क्योंकि लोग भी जानते हैं कि अजय निषाद 10 साल में कितना विकास किए हैं, लोगों के लिए क्या किए हैं, लोग भी जानते हैं, क्योंकि देखिए अभी जो है ना लोग समझदार हो गए, समझदारी के साथ जो है वोट करते हैं, तो मुजफ्फरपुर की अगर बात करें तो मुजफ्फरपुर में भाजपा जो है वो कहीं ना कहीं परसेंटेज वोट का जो परसेंटेज है वो ज़्यादा है। अजय निषाद जी का कांग्रेस में जाना और 10 साल में विकास ना करना, कहीं ना कहीं इनका असर वो पड़ेगा। एंटी इनकम्बेंसी भी थी, अजय निषाद ने कुछ खास नहीं किया मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र के लिए, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा। अब हम चलते हैं सीधे मुजफ्फरपुर से निकलते हैं, सीतामढ़ी चलते हैं, सीतामढ़ी का नॉलेज अच्छी तरह से रखते हैं अरविंद, और सीतामढ़ी संसदीय क्षेत्र से आते भी हैं आप, सीतामढ़ी संसदीय क्षेत्र से दो धाकर उम्मीदवार थे, देवेश चंद्र ठाकुर जो कि जेडीयू के थे, और दूसरी तरफ अर्जुन राय थे, पुराने पूर्व सांसद रह चुके हैं, राजद ने उन्हें एक बार फिर मौका दिया, क्या लग रहा है सीतामढ़ी की लड़ाई? देखिए सीतामढ़ी की बात करें तो समीकरण जिस हिसाब से बनना चाहिए उस हिसाब से बना नहीं, लेकिन कांटे की लड़ाई है, क्योंकि वहां भी अगड़ा बनाम पिछड़ा की लड़ाई हो गई है, तो कई ऐसे विधानसभा है जहां वोट परसेंटेज राष्ट्रीय जनता दल के वहां प्रत्याशी है अर्जुन राय, पूर्व सांसद भी वहां से जनता दल यूनाइटेड से रह चुके हैं, और देवेश चंद्र ठाकुर जो सभापति निर्वाचन है वो वहां जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी है, तो वहां एक बात मुकेश देखने को मिला कि देवेश चंद्र ठाकुर जो वहां के प्रत्याशी है एनडीए से, तो उन्होंने मोदी के नाम पर मोदी के चेहरे को आगे करके वोट मांगने का काम किया, जबकि महागठबंधन के जो वहां प्रत्याशी है अर्जुन राय, उन्होंने जनता दल यूनाइटेड के मुखिया नीतीश कुमार को भजाने का काम किया, तो वहां जिस तरह से अगर जनता दल यूनाइटेड के नाम पर जिस तरह से उनको भजाया गया, तो कहीं ना कहीं वोट परसेंटेज की बात करें तो लड़ाई दिख रही है, जिस हिसाब से लोग कह रहे थे कि धनबल वाले हैं देवेश चंद्र ठाकुर, धनबल से ज्यादा है उसके सामने कुछ नहीं अर्जुन राय है, तो कहीं ना कहीं ये बातें जो फैक्टर है वहां एक दिखा, तो ये इसलिए दिखा क्योंकि
देवेश चंद्र ठाकुर के साथ ऐसे लोग जुड़े थे जो केवल साथ साथ मतलब गाड़ी की काफिलाओं में शामिल होने वोट मांगने के लिए ना कोई निकला और ना कोई वोट मांगने के लिए गए, लेकिन खासकर एक इलाके में उनके नाम का बड़ा प्रभाव पड़ा। मुस्लिम बस्ती में कोयली नानपुर की जो बस्ती इलाका है वहाँ मुस्लिम समुदाय की अच्छी खासी आबादी है, वहाँ उनके व्यक्तिगत वोट मुस्लिम समाज के लोगों ने बड़े पैमाने पर डाला है। फैक्टर क्या था, वहाँ के कुछ जनता दल यूनाइटेड में कुछ मुस्लिम नेता थे, वहाँ के मुजफ्फर सीतामढ़ी के जो मेयर है मुस्लिम समुदाय से आते हैं, वो जनता दल यूनाइटेड के समर्थक है और जनता दल यूनाइटेड से जुड़े हुए लोग, तो वो फैक्टर पड़ा। लेकिन जिस तरह से आगरा बनाम पिछड़ा की लड़ाई है तो कई ऐसे विधानसभा में वोट परसेंटेज बढ़े हैं और अर्जुन राय ने जो पूर्व में जो विकास किया तो लोगों ने उस विकास को भी देखा है और विकास को देखते हुए भी कुछ लोगों का मन बदला है। मन इसलिए बदला है क्योंकि वहां जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी थे। जदयू के लोगों ने आप जानते ही है वर्तमान समय में जदयू की क्या स्थिति है पूरे बिहार में, तो ये फैक्टर को लेकर के जनता दल यूनाइटेड फैक्टर को लेकर के लड़ाई कांटे की है। मैं कहा नहीं जा सकता है, एग्जैक्ट नहीं बताया जा सकता है कि कौन जीतेंगे, लड़ाई कांटे की फंसा दी है, इसलिए फंस गया लड़ाई, लोगों ने ही फंसा दिया लड़ाई, पता नहीं चल रहा है। चुप्पा वोटर भी यहाँ पर बहुत निकल के आ रहे हैं, लेकिन एज मिलता हुआ किसको लग रहा है, आपको क्या लग रहा है, देवेश चंद्र ठाकुर या फिर अर्जुन राय सीतामढ़ी में? जैसे अरविंद ने कहा कि यहाँ पर जो देखा जा रहा है कि अर्जुन राय की बात करें तो अर्जुन राय ने काम किया है और देवेश चंद्र ठाकुर एक पार्टी से आ रहे हैं जिसकी सरकार है, तो यहाँ पर देखने को यही मिल रहा है कि दोनों में टक्कर हुई। टक्कर होने के बाद लेकिन आज रिजल्ट, कल रिजल्ट की बारी है तो रिजल्ट पर लोग गौर कर रहे हैं, तो गौर करने की बात है कि वहां का रिजल्ट क्या होगा। तो हमें लग रहा है कि मोदी लहर वहां भी काम करेगा। मोदी फैक्टर देखिए एक बहुत बड़ा फैक्टर बनता जा रहा है धीरे धीरे, और देखिए जो आपने भी कहा कि एज दे रहे हैं देवेश चंद्र ठाकुर को लोग, इसका एक कारण मोदी फैक्टर होता है, मोदी की लहर कहें, मोदी के लाभान्वित योजनाएं कहें, जिसमें राशन है, उज्ज्वला गैस है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि एक पॉजिटिविटी दे देती है उनके कैंडिडेट को। तो देवेश चंद्र ठाकुर का अपना एक व्यक्तिगत रूप भी है जो कि सीतामढ़ी में देखने को मिलता है, मुजफ्फरपुर में भी देखने को मिलता है, और इस हिसाब से हम मजबूती थोड़ी सी दे सकते हैं देवेश चंद्र ठाकुर को, लेकिन लड़ाई सीतामढ़ी में भी है। अब चलते हैं शिवहर, कांटे की टक्कर। शिवहर में जब लवली आनंद आती हैं तो एक बहुत बड़ा सीट बन जाता है शिवहर का, जबकि शिवहर लोकसभा सीट नॉर्मल सीट हुआ करती थी, लेकिन इस बार पूरे देश में शिवहर का नाम चल रहा है, लवली आनंद है, और वहां पर भी जो आपने अगड़ा बनाम पिछड़ा की बात की तो वहां भी आरजेडी ने रितु जायसवाल को खड़ा कर दिया, मतलब बनिया समाज से, वैश्य समाज से रितु जायसवाल आ जाती है और राजपूत समाज से लवली आनंद आ जाती है जो कि आनंद मोहन की धर्मपत्नी है। शिवहर की लड़ाई नजदीकी लड़ाई है, तो इसमें क्या कहेंगे? देखिये मुकेश, सबसे बड़ा सवाल है शिवहर की जो लड़ाई है, वहाँ बाहुबली आनंद मोहन की धर्मपत्नी लवली आनंद जी लड़ रही है, एनडीए गठबंधन से जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी और विपक्ष में महागठबंधन के राजद प्रत्याशी रितु जायसवाल है जो पूर्व में मुखिया रह चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, जिस वोट बैंकिंग को साधने का राष्ट्रीय जनता दल ने कोशिश किया वो वोट बैंकिंग नहीं साधा पाए। बनिया वैश्य, बनिया बैस समाज की जो वोट बैंकिंग है, जो बैस पूरे अपने आप को तेली कानू सूरी कलवार ये सारे लोग अपने आप को बैस मानते हैं, और कुछ जातियां हैं जो बैस समाज के भीतर आते, लेकिन पूरे बैस गोलबंद नहीं हुआ, इसलिए वहां लड़ाई है। अगर बैस पूरी तरह से गोलबंद हो जाते तो वहां लड़ाई नहीं रहती, वो वर्तमान एनडीए की प्रत्याशी से दो कदम आगे रहते, क्योंकि वहां तेली समाज की बात करें तो तेली समाज के लोग वहां गोलबंद नहीं हो पाए बैस के नाम पर, कानू समाज के लोग भी गोलबंद नहीं हो पाए, क्योंकि कानू समाज के लोगों ने उनको इस तरह से देखा ही नहीं कि हमारे बैस समाज से हम लोग बैस समाज, जिस तरह से अति पिछड़ा में नुनिया लड़ता है तो मलाह रिस्पांस नहीं लेते, मलाह लड़ता है तो नुनिया लोग रिस्पांस नहीं लेते, हजाम ठाकुर जिस हजाम समाज अगर वो रिस्पॉन्स नहीं लेता, उसी तरह से बैस में भी पूरे बैस गोलबंद नहीं हुए। अगर पूरे बैस गोलबंद होते तो तस्वीर नहीं, वो चुनाव से पहले नतीजे सामने आ जाता। बिल्कुल, तो चुनाव से पहले नतीजा सामने आ जाता, रितु जायसवाल जीत जाती, क्योंकि रितु जायसवाल के साथ एमवाई फैक्टर था ही,
वो समीकरण था, साथ ही साथ वैश्य का एक बड़ा तबका टूटता जो एनडीए का तबका था वो टूट जाता, साथ ही साथ मल्लाह भी साथ में थे, तो जीत निश्चित थी, लेकिन वैश्य का जो तबका है, वोट बैंक है, वो एनडीए के साथ। मुकेश, आप सबसे बड़ा सवाल है कि आप कह रहे हैं मोदी मैजिक, मोदी फैक्टर, इस चुनाव में किसी भी लोकसभा चुनाव में बिहार के, हम अदर स्टेट की मोदी मैजिक नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं मोदी मोदी के लाभान्वित योजना है, जो राशन वाला जो एक हम लोग को हर जगह देखे, एक मिनट मुझे, लाभान्वित योजना वही लोग बता रहे हैं, जो लोग एनडीए के वोटर ही है ये वो लोग नहीं बता रहे हैं, जैसे यादव समाज की महिलाएं नहीं कर रही है कि हमको लाभान्वित हो रहे हैं, ये लाभान्वित वाले योजना उन्हीं के अंदर में है जो पहले से एनडीए के है, योजना रहे ना रहे एनडीए के वोटर पहले से है, तो इस तरह से ये लाभान्वित योजना नहीं चला, एक ही फैक्टर चला पूरे लोकसभा में, जहां जहां हम गए न मोदी मैजिक चली, न मोदी की गारंटी चली, न उनके लाभान्वित योजना चले, क्योंकि लाभान्वित योजना वाले लोग पहले से ही कह रहे हैं कि हम, वो तो पहले से एनडीए के साथ है, मतलब कि राजद से खपा होकर के किसी कारणवश खपा हुआ हो, वो पहले से राजद के खिलाफ में है, कांग्रेस के खिलाफ में पहले से है, वो योजना रहे ना रहे वहाँ वो वोट करेंगे ही करेंगे, वो एक लोग बनाते हैं मौन कि महिलाएं हैं, तो महिलाएं किस, ऐसा थोड़ी है कि मुस्लिम समाज की महिलाएं एनडीए को वोट दे दे, यादव समाज की महिलाएं एनडीए को वोट दे दे, अभी मला समाज में अभी जिस तरह से मुकेश सहनी ने महागठबंधन को अपना समर्थन दिया, गठबंधन के 3 सीट लिए, तो मला समाज की महिलाएं मुकेश सहनी के खिलाफ एनडीए को वोट दे दे, ऐसा नहीं है, वो योजना लाभान्वित योजना वाले वही लोग है जो पहले से एनडीए के वोटर है, तो ये योजनाएं है, इसमें कोई चर्चा ही नहीं, और सबसे बड़ा एक ही इसमें धारा, एक करेंट, वो है धर्म का करेंट, पूरे जगह हमने जहां जहां गया कोई मैजिक नहीं चली, लेकिन धर्म वाला जो मुद्दा है वो जीवित रहा पूरे लोकसभा चुनाव में, चाहे जिस सीट पर धर्म का एक जो प्रोपेगेंडा है हिंदू मुस्लिम ये जिंदा रहा, और यही फैक्टर लोगों ने विपक्ष को धर्म से दूर रखा, और हिंदू समुदाय के बहुत सारे ऐसे जाति के लोग हैं जो पहले महागठबंधन को देते भी थे, वो लोगों ने एनडीए को वोट किया है, धर्म का मामला जिंदा रहा, विकास की मुद्दे पर कोई बातें नहीं हुई, नहीं किसी ने, मुझे तो एक चीज इस बार लगा, मोदी को जिताना है और मोदी को हराना है, यही दो मुद्दा था, इसी में वोटर बटे हुए थे, जो मोदी सपोर्टर थे वो कुछ नहीं देख रहे थे, मोदी की तरफ जा रहे थे, और जो विरोधी थे वो विरोध में जा रहे थे। अब आते हैं जिसका आप लोगों को इंतजार है, सबसे हॉट सीट वैशाली लोकसभा सीट। हमने शुरू से कहा टशन की लड़ाई, नजदीकी लड़ाई, बहुत गंभीर लड़ाई और बहुत सेंसिटिव लड़ाई से आप कह सकते हैं, बहुत टशन की लड़ाई, पूरे देश में ये लोग जानना चाहते हैं, बहुत सारी जगहों पर एग्जिट पोल आए हैं, कोई किसी को जिता रहा है, कोई किसी को जिता रहा है। मुकेश ठाकुर, आपको क्या लग रहा है वैशाली की लड़ाई में मुन्ना शुक्ला जो राजद के उम्मीदवार हैं, वहीं निवर्तमान सांसद जो LJP आर चिराग पासवान की उम्मीदवार बनी है वीणा देवी, क्या लग रहा है वैशाली में क्या हुआ? देखिए, मैं अपने न्यूज जो कवरेज करने जाता था तो उस दौरान मैं एक दो सवाल पूछा करता था जिससे कि कुछ क्लियर हो जाता था कि वहां पर किसकी वोट पड़ी और क्या हुआ। तो इस दौरान मुझे यही देखने को मिला कि जो मुन्ना शुक्ला का माहौल जो बना था वो माहौल लगातार मेंटेन रहा, लेकिन बीच में जो माहौल था वो माहौल गड़बड़ हुआ, इसका प्रभाव कुछ नहीं पड़ा, बाद में जाके मेंटेन हो गया। और जब वोटर जब वोट देकर निकल रहे थे उनसे मैं सवाल पूछता था किसको वोट दिया गया, किस मानसिकता से वोट दी गई, क्या सोच के वोट दिया गया, तो वो लोग बताते थे कि विकास के मुद्दे पर वोट दिए, और जो बोलते थे कि बेरोजगारी और बदलाव देखना चाहते हैं, तो मैं समझ जाता था किसको उन्होंने वोट किया। तो इस दौरान मैंने देखा ज्यादा संख्या विकास के मुद्दे पर था, वहां भी यही चीज देखने को मिल रहा था। लेकिन बात करें माहौल की तो माहौल अभी भी मुन्ना शुक्ला की तरफ बना हुआ है, जीत के आस में सभी लोग लगे हुए हैं, जीत का आस लगा हुआ है कि मुन्ना शुक्ला ही वहां से निकलेंगे। मुन्ना शुक्ला को एज दे रहे हैं मुकेश ठाकुर। देखिए, जो बयार चली, जो हवा चली मुन्ना शुक्ला को लेकर, जमीन पर
पूरी हवा देखी गई। इलेक्शन के दिन तक मुन्ना शुक्ला दिखे कि हाँ भाई मुन्ना शुक्ला जीत सकते हैं। तो आपको क्या लगा इलेक्शन में? हम लोगों ने वहां पर पब्लिक रिव्यू किया, लोगों से बातचीत की, बदलाव नजर आ रहा था। जैसा कहा गया कि वीणा देवी ने कोई काम नहीं किया, वो दिखा भी कि वीणा देवी ने 5 साल में कोई उतना ज्यादा बड़ा काम नहीं किया जो जनता के दिल में बैठ पाती। तो क्या लगा आपको वैशाली चुनाव का पूरा रिव्यू? देखिए, विकास की बात करेंगे तो विकास के बात पर आज के दौर में कहीं किसी लोकसभा में चुनाव नहीं हुआ। अगर विकास के दौर में चुनाव होता तो सभी सीट पर लोग विकास की बात खोजते। विकास की बात अब हमारे अपने मन से बता रहे कि विकास की बात करना ही, जब जनता ही नहीं विकास खोज रही है तो हम लोग को करना ही बेकार है। क्योंकि जब वो जिसको वोट देना है, जिसको सरकार बनानी है, वो कहीं विकास खोज ही नहीं रहा है, वो केवल अपने जाति अपने पार्टी को खोज रहा है। अगर विकास की बात खोजना रहता तो फिर मुजफ्फरपुर में कांग्रेस प्रत्याशी को यादव वोट नहीं करते, मुस्लिम वोट नहीं करते, तो फिर वहां का अगर विकास है तो पूरे लोकसभा में कोई ऐसा प्रत्याशी नहीं जिसके नाम पर विकास हो। 3-4 सांसद बिहार में छोड़ करके 3-4 ऐसे सांसद है बिहार में जिन्होंने अपने क्षेत्र में उन्नति प्रगति किया है। आरा में आरके सिंह, ये सब कई ऐसे सांसद है जिन्होंने, नाम नहीं लीजिए लेकिन अन्य सांसदों का नाम लीजिएगा तो विकास का नाम लीजिएगा तो अपने आप में एक यही लोगों को बरगलाने वाली बात हो जाएगी। तो विकास का चैप्टर यहाँ कोई मायने ही नहीं रखता। अब रह गई वैशाली लोकसभा की बात। वैशाली लोकसभा लोकतंत्र की जननी है। लोकतंत्र की जननी में लगातार पूर्व में एक दो बार वहां से उम्यार समाज से लोग प्रतिनिधित्व किए, उसके बाद लगातार राजपूत समाज के लोग प्रतिनिधित्व करने लगे। रघुवंश बाबू जैसे दिग्गज नेता, कदावर नेता और ईमानदारों में महा ईमानदार आज भी उनके घर फूस का ही है। तो ऐसे लोगों को लोगों ने जब चुनाव राष्ट्रीय जनता दल से भी लड़ते थे तो उनको लोग अपना समझ करके लोग वोट देते थे। हाल के दिनों में जब मोदी मैजिक चली 14 में तो 14 में भी वो हार गए और 19 में बड़े पैमाने पर मोदी की लहर दिखी, कहा मोदी का जलवा दिखा, तो उसमें भी वो 33,000 वोट आए, 2,34,000 से वो चुनाव हार गए हैं। बड़े दिग्गज नेता, पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे, मनरेगा मैन कहे जाते हैं रघुवंश बाबू, अब दुनिया में नहीं है। लेकिन वहां वोटिंग की परसेंटेज की बात करें, जब मोदी लहर थी तब विपक्ष के पास कितना वोट था? 33, जबकि राजपूत समाज के लोग उन्हें कम रिस्पांस लेते थे, यानी कम वोटिंग पड़ती थी राजपूत समाज का। पार्टी ने राष्ट्रीय जनता दल अगर सही मायने में करे तो वो इसीलिए उनको टिकट दिया होगा, उम्यार समाज से आने वाले मुन्ना शुक्ला को। पहले से ही हम लोग जान रहे थे कि वहां समीकरण, अगर उधर से राजपूत समाज उतरते हैं तो यहां से भूमियार को दिया जाएगा, अगर यहां से भूमियार उतरते हैं यहां से राजपूत, अगर इधर से विनीता विजय चुनाव लड़ती एनडीए से तो एकदम तय था कि रामा सिंह राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी होते, यानी कि महागठबंधन के एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी होते। तो ऐसा नहीं हुआ, जब उधर से क्लियर हो गया तब इधर से क्लियर हुआ। इंतजार में थे क्योंकि यहाँ एनडीए का समीकरण बनाने वाले, आज जिस तरह से पूरे लोकसभा बिहार में कोई ऐसा सीट नहीं है कि एनडीए ताल ठोक कर कह दे कि हम चुनाव जीत रहे हैं, और इतने मार्जिन है ताल ठोक कर मतलब हवा कोई सीट नहीं, कैमरे पर कोई ऐसा सीट नहीं, क्योंकि लालू प्रसाद यादव को जो राजनीति का पुरोधा लोग मानते हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ भी मानते हैं, बड़े बड़े तबके के जो पत्रकार है वो भी मानते हैं कि पुरोधा है। उन्होंने जो पटना में बैठ करके जो समीकरण बनाया, उस समीकरण में कई जाति धर्म के लोग फंस गए जाल में, और सारे समीकरण को बदल दिया। तो वैशाली में भी उन्होंने समीकरण को बदल दिया, मुन्ना शुक्ला को टिकट नाम पर नहीं, एक समाज पर दिया गया कि राजपूत समाज को तो हम लगातार अभी देते थे और वहां देना भी था क्योंकि रघुवंश बाबू राजद का पिलर थे, तो उनका तो टिकट कट ही नहीं सकता था, जब तक थे तब तक लड़े, उनके अगर बेटे भी रहते तो मिलता ही, अगर वो नहीं रहे खैर कोई उनकी अलग बात है। तो वहां 3-33 कब है? जब विपक्ष में मोदी की लहर चल रही है तब विपक्ष को 3-33 है, जब मला भी एनडीए के साथ है, भूमियार समाज पूरी तरह से एनडीए के साथ है, तो सबसे बड़ा सवाल है। लोग कह रहे हैं निचले तबके में साइलेंट वोटर थे, साइलेंट वोटर तो रहेगा ही रहेगा क्योंकि वहां दो ताकतवर लड़ रहे हैं, तो लोग काहे बोलेंगे कि हम किसी को वोट दिए नहीं दिए, तो उनको कोई मतलब नहीं है। लेकिन विचारधारा जहां था वहां लोगों ने वोट कर दिया,
अब वोट कहाँ रह गई, यहाँ चार जाति की समीकरण बन गई, कहाँ, महागठबंधन में, एनडीए गठबंधन में, तो इंडिया में, इंडिया गठबंधन जो है, इंडिया गठबंधन जो महागठबंधन है, वहां चार जाति की समीकरण बन गई। चार जाति की समीकरण में पहले दो जाति की समीकरण था MY, अब उसमें भूमिहार और बी और एम दोनों जुड़ गए। अब दो जब जुड़ गए, दोनों की आबादी अच्छी खासी है। हम आंकड़ा इसलिए नहीं दे रहे हैं कि लोगर जिसको लगेगा कि कम है, अगर मलाह की आंकड़ा देंगे तो मलाह साथी को लगेगा कि हमारे कम आंकड़ा बता रहे हैं तो वो आक्रोशित हो जाएंगे, इसलिए हम उनकी आंकड़ा नहीं दे रहे, लेकिन अच्छी खासी आबादी मलाह समाज का भी है, भूमिहार समाज का भी है, तो दोनों की आबादी है। अगर 50+ भी दोनों का वोट अगर घिसकता है, 60-70 हजार दोनों का वोट घिसकता है, तो दोनों मिलाकर के कितने वोट होते हैं, 7×14 1.5 लाख के करीब, 1.5 लाख के करीब। जैसे ही 1.5 लाख एनडीए गठबंधन से, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन से वोट घिसकती है, तो फिर वो डाउन होकर के उसके पास 5,68,000 मोदी लहर में है, तो सीधे जब 1.5 लाख वोट घटेगी तो 4 लाख के समथिंग में वोट आ जाएगा। और जैसे 3-33 में जैसे ही 1.5 लाख ज्वाइन होगा तो कितने वोट हो गए, बिल्कुल, तो लगभग जो 33 में जो 1.5 लाख ज्वाइन हुए तो कितने हो गए, 5 लाख के करीब। अब राजपूत समाज को छोड़ करके कोई ऐसी जाति नहीं था जिसमें नाराजगी न हो। हालांकि डैमेज कंट्रोल कर लिया गया एनडीए प्रत्याशी की ओर से, पूरी तरह से मैनेजमेंट अपने लोगों को समझाया, बैठक करवाए, लोगों को आश्वासन दिया, मैनेजमेंट हुआ, लेकिन सारे वोट, आक्रोशित वोट को रोकना, जिस तरह से कुढ़नी उपचुनाव में सारे लोगों को मैनेजमेंट किया, यादवों को भी रोका, कुशवाहा को भी रोका, लेकिन फिर भी चुनाव, वहां लोग आक्रोशित इतने थे प्रत्याशी से, इसीलिए वहां चुनाव हार गए। यहां भी ऐसे राजपूत समाज ने अपने प्रत्याशी के प्रति एक एक वोट डालने का काम किया। अब इधर भूमिहार समाज अगर टूट भी जाते हैं, और मलाह समाज भी लोग कह रहे हैं कि टूट गए, तो वोट परसेंटेज ठीक है, टूट गए तो एनडीए के साथ तो पहले ही से थे, तो टूटे तो उसको उतना ज्वाइन करना भी नहीं है, वो तो पहले ही से इतना पहले से थे, जो भी डाउन हुआ तो एनडीए डाउन हो रही है पूरी तरह से डाउन हो रही है। अगर भूमिहार समाज ने 55% नोटिस लिया तो 55% वोट कटे ना, अच्छी खासी आबादी है भूमिहार समाज का। मलाह समाज ही अगर लोग कह रहे हैं कि नहीं, आधा से बेसी मलाह टूट गया, 40% टूट गया हो, 45% टूट गया हो, प्लस 50 से नीचे तो नहीं आया, ऊपर ही रहा, क्योंकि हमने चारों तरफ जाने का देखा। अब निचले बाकी जो जाति है, आप कहेंगे तो वैश्य समाज पूरी तरह से एनडीए के साथ रहा, राजपूत समाज के साथ रहा, लेकिन राजपूत के अलावा वैश्य समाज में भी टूट हुई, जिस तरह से कुछ तोड़ते हैं उसमें से झड़ता है, उस तरह से मास बेट में वोट नहीं झड़े। पासवान समाज में भी कुछ झड़ गए लोग, कुशवाहा समाज में भी कुछ झड़ गए लोग, कुर्मी में कुछ प्रत्याशियों ने तो शंभू पटेल को भी वोट दिया जो बसपा के प्रत्याशी है, हालांकि दलितों ने भी वोट दिया, चिराग पासवान से नाराजगी जो थी उसको, नाराजगी भी और कुछ उनका फैक्टर था कि लोगों का कहना था कि हमारे इलाके में नहीं आते, हमारे दरवाजे पर नहीं आते हैं, उधर से ही चले जाते हैं, तो ऐसा उन लोगों का कहना था, हमने देखा नहीं कि क्या क्या फैक्टर है, लेकिन झड़ गए। तो राजपूत समाज के अलावा तमाम जाति ऐसे जो थे सारे में थोड़ा थोड़ा झड़ा है, मास बेट में नहीं हम वह कह सकते हैं, क्योंकि मास बेट का नहीं दिखा है और नहीं मास बेट में झड़े। तो फिर अगर आकलन कोई कर रहा है तो आखिर किस आकलन पर कर रहे हैं? आप लोग कहेंगे मुन्ना शुक्ला जो प्रत्याशी है उसके नाम पर वोट भाग जाएंगे, तो नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ है। मुजफ्फरपुर के सांसद अजय निषाद मुसलमानों के प्रति कैसा बयान दिए थे जब भारतीय जनता पार्टी के मुसलमान ने दिया, लेकिन मुसलमानों ने सीधा कहां देखा, दिल्ली पंजा छाप को देखा और कांग्रेस पार्टी को देखा, राष्ट्रीय जनता दल को देखा, ना कि अजय निषाद को देखा। अगर निषाद का भी वोट इनको पड़ा है तो उसमें एक मुकेश सहनी फैक्टर है और एक निषाद की राजनीति को जमींदोज करने के लिए जो मुजफ्फरपुर में जो षड्यंत्र निषाद समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमारे समाज की राजनीति को जमींदोज मतलब समाप्त करने की जो लीला रची गई थी उसके खिलाफ हमने अजय निषाद को वोट दिया है। अजय निषाद के चेहरे या पुराने नेता है या कैप्टन जी के लड़के हैं इसलिए वोट नहीं दिया है हमने तमाम निषाद समाज। अच्छा, आपको क्या लग रहा है अभी वैशाली में मुन्ना शुक्ला का वेट बढ़ा हुआ लग रहा है? देखिये वोट जिस तरह से वोट परसेंटेज की बात है, जो समीकरण है, तो समीकरण कहीं ना कहीं बढ़त बनाए हुए दिख रहा है। हालांकि लड़ाई
बहुत नजदीक, बहुत नजदीकी है। कहा नहीं जा सकता है कि मुन्ना शुक्ला चुनाव जीतेंगे या फिर बीना देवी चुनाव जीतेगी, लेकिन वोट परसेंटेज उनके पास भी है। अगर ये कह दे कि मुन्ना शुक्ला हार रहा है तो ये भी गलत है, बीना देवी भी हार रहा है तो ये भी गलत है, लेकिन वोट परसेंटेज कांटे की लड़ाई है, दोनों नजदीकी लड़ाई है। अगर वहां कोई चुनाव जीतता हारता है तो 20 से 50 के बीच में ही चुनाव जीत, 50,000 के बीच में ही चुनाव हार जीत का खेल होगा। लेकिन तमाम जो सीटें हैं सभी सीटों पर लोगों ने टक्कर दिया है। कुशवाहा समाज की जो लोगों ने महागठबंधन ने सीधे 6 से 7 प्रत्याशी उतार दिया, तो कुशवाहा समाज को भी लोगों ने साथ लिया है। तो इस प्रकार से पूरे लोकसभा में अगर वोट परसेंटेज की बात देखें तो सारे लोकसभा सीटों पर एनडीए का वोट परसेंटेज घटेगा, चाहे वह चुनाव विपक्ष के लोग जीते ना जीते। लेकिन अंतराल जो पहले जो था कि सीधे लोग ईवीएम खुलता था चुनाव नहीं, वो तो जीत गई, वो तो बढ़ेगा, जनता दल यूनाइटेड जीत गई, वो इस बार कहीं नहीं दिखेगा। ईवीएम खुलते जाएगा, आगे पीछे लोग होते जाएंगे। मुजफ्फरपुर में कुछ जगह पर खुलेगा तो बहुत अंतराल होगा, लेकिन वैशाली में जैसे जैसे ईवीएम खुलेगा अंत तक ही जीत होगी। ये जो कह दे कि आधे पर ही आप चाहे हम या कोई पत्रकार समीकरण दे दे कि फलाना आदमी जीत रहा है, वो संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऐसी कोई महागठबंधन की चाहे एनडीए गठबंधन की ऐसी कोई वोट बैंकिंग नहीं जिस विधानसभा में नहीं हो, चाहे जिस बूथ पर नहीं हो। अगर बैस है तो भूमियार भी है, जहां विधानसभा में मलाह है तो पासवान समाज के लोग भी है, कुर्मी कोयरी भी है, तो ऐसे हर हर जाति के लोग जो है दोनों पार्टी के, क्योंकि दो वोट बैंकिंग बड़ी है इसके साथ, चार जाति इसके साथ भी मुस्तैदी से है, तो हर सीटों पर वोट बैंकिंग घट बढ़ होते रहेगा। अंतों तक चुनाव जीत हार की ये आंकड़ा वैशाली में सामने आया। देखिए वोटिंग प्रतिशत तो बढ़ेगा इंडिया अलायंस का बिहार में खास तौर पर अगर देखें तो, क्योंकि मुकेश सहनी साथ में है, ऑटोमेटिक जो मल्हा समाज के वोट होंगे उनके वोटर जो होंगे वो प्लस करेंगे, तो इंडिया अलायंस के का जो वोटिंग प्रतिशत होगा इस बार बढ़ेगा। अभी जो वैशाली में जो हमारे दोनों साथियों ने कहा मुन्ना शुक्ला को लेकर, कहीं ना कहीं एज देते हुए दिखे हैं, मुन्ना शुक्ला की जो हवा है अभी भी चुनाव के बाद भी जो हमने पता किया, जो क्षेत्र में 6 विधानसभा की हम बात कर लेते हैं पूरे वैशाली में, तो लोग अभी भी कह रहे हैं कि मुन्ना शुक्ला आगे चल रहे हैं। अब कल अभी तो ये एग्जिट पोल था, एग्जिट पोल में कहीं ना कहीं मुन्ना शुक्ला बहुत नजदीकी लड़ाई, जैसे अरविंद ने कहा 25,000 से 20,000 से 50,000 लगभग, जो यही आंकड़ा रहेगा हार जीत का, मुझे लगता है कि और कम होगा, हो सकता है और कम हो, क्योंकि 20-25 हजार बहुत हो गया, इतना अंतर हो सकता है। तो दोनों जो प्रत्याशी हैं, चाहे वो वीणा देवी हो या मुन्ना शुक्ला हो, तो बहुत नजदीकी लड़ाई एक दूसरे को दे रहे हैं। हालांकि हवा आज तक अभी तक मुन्ना शुक्ला की दिख रही है वैशाली लोकसभा सीट पर। कल हम आपको दिखाएंगे एग्जैक्ट पोल, कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। बिहार की 40 सीटों पर रहेगी हमारी नजर और सटीक रिपोर्ट आपको देंगे हर जो राउंड होगा उसके बाद कि कौन आगे चल रहा है कौन पीछे चल रहा है। और हमारे तमाम जो सहयोगी दोस्त हैं मित्र हैं अरविंद कुमार और मुकेश ठाकुर, इनका हम धन्यवाद करते हैं, इन्होंने हमें जो एक बल दिया है, साथ में जो इन्होंने अपनी रिपोर्ट क्या को साझा किया है। और कल भी अपने अपने प्लेटफॉर्म पर सारे लोग जुटे रहेंगे और आपको बताएंगे कि बिहार की 40 सीटों में से कौन कहां से जीत रहा है और कौन कहां से हार रहा है। बने रहें बिहार लाइव नाउ के साथ, तब तक मुझे मुकेश चौरसिया को दीजिए इजाजत, नमस्कार। अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया, देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कम्प्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर, कॉल 9934753111।